गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं सेल का, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है कि दैट इज ए सेल ऑर्गेनेल। ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय के आर पोर्टर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट इज जस्ट लाइक ए नेटवर्क, मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सीट्स। कैसा दिखता है जस्सी? दिस सपोज दैट दिस इज द सेल, इनसाइड द सेल देयर इज अ न्यूक्लियस एंड हियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट लाइक दिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स एज ए नेटवर्क, दिस अपीयर्स एज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर, इनसाइड द सेल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स वन एंड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अनदर एंड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, इसका एक एंड यहां से जुड़ा है, दूसरा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, और कैसा अपीयर होता है? जस्ट लाइक एज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड सीट्स। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दिखता है। एंड नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट इन द सेल। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वह दो प्रकार की होती है, दैट इज ऑफ टू टाइप, वन इज द आरईआर एंड सेकेंड इज द एसईआर। आरईआर का मतलब कि दिस मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दिस इज स्मूथ। तो देयर आर स्पेशली टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। तो देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जैसे मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स हैं, तो ऑन दीज ट्यूब्यूल्स द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट जस्ट लाइक दिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ क्यों रखा गया है? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द राइबोसोम्स। बट बी केयरफुल दैट कि राइबोसोम्स, एक पर्टिकुलर राइबोसोम, हम जानते हैं कि राइबोसोम इज अप टू टाइप, एक 70S और एक 80S राइबोसोम के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वीडियो लेक्चर में देखा है, आप उसको जरूर देखिए ताकि राइबोसोम की सारी चीजें आपको समझ में आए। तो राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, अगर मान लीजिए कि 80S राइबोसोम है तो ऑब्वियसली उस 80S राइबोसोम की दो यूनिट है, एक 60S एंड 40S। तो इस आपको एक चीज याद रखना है कि राइबोसोम का कौन सा यूनिट लार्जर की स्मॉलर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है, तो ऑब्वियसली राइबोसोम की लार्जर यूनिट, सपोज दैट 60S इज अटैच्ड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
70S में प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और या तो फिर वह माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि 60S जुड़ा रहता है। और किससे जुड़ा रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस राइबोसोम इज अटैच विद स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज नोन एज व्हाट, राइबोफोरिंस, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड। दूसरी चीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, क्योंकि उसकी सतह पर, सरफेस पर राइबोसोम के पार्टिकल्स अटैच्ड रहते हैं एंड दीज राइबोसोम पार्टिकल्स, ड्यू टू दीज राइबोसोम पार्टिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स एज रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। और इसका काम, इसी कारण ये राइबो जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसका मुख्य काम क्या होता है, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन की सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह काम करती है, जो प्रोटीन बनता है सेल के अंदर या जहां जरूरत होती है वहां पर वह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेन साइट, इसका क्या है, दिस इज द मेन साइट फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से देखिएगा कि सिंथेसिस ऑफ फैट आर लिपिड, फैट या लिपिड, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये लाइन की लिपिड या फैट बनाने की मेन साइट होती है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो तरीके की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो सेल के अंदर पाई जाती है। और देखिए कि जो ये लिपिड और प्रोटीन जो होती है, कि जो इसके जरिए लिपिड, यहाँ पे प्रोटीन बना, यहाँ पे लिपिड बना, ये प्रोटीन और लिपिड मिल करके क्या बनाते हैं, दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए बनते हैं उसी का यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इंपॉर्टेंट इवेंट इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसी काम को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसी को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। दूसरी चीज कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले प्रोटीन और प्रोटीन और लिपिड वह एंजाइम और हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। तो प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स ऑफ ER फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन। हार्मोन का मतलब कि जिस देखिए कि जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब कि जैसे आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, जैसे एड्रिनल हार्मोन, जैसे कि सेक्स हार्मोन, ह्यूमन मेल में सेक्स हार्मोन जो बनते हैं, सेक्स हार्मोन, जैसे कि सेक्स हार्मोन मेल में क्या बनता है, इनकेस ऑफ मेल दिस सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड इनकेस ऑफ फीमेल ये सिंबल किसका है, मेल का, दिस सिंबल इज व्हाट, फीमेल, दिस वन इज मेल। तो मेल का सिंबल है, फीमेल में दो सेक्स हार्मोन बनते हैं और वो क्या होते हैं, वन इज द एस्ट्रोजन
एंड अनदर वन इज व्हाट प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों सेक्स हार्मोन भी इसके जरिए बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए। तो ये दोनों ही चीजों को हम लोगों ने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए क्या बनता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए क्या बनता है। स्टेरॉयड हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इस चीज को। और इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह तीन तरीके के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह तीन तरीके के स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। वन इज व्हाट की सिस्टर्नी, इस तरीके के स्ट्रक्चर। और इस पे ये राइबोसोम लगे रहते हैं। और दूसरी जो है सेकेंड स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, दिस वन इज नोन एज व्हाट वेसिकल। एंड थर्ड वन इज व्हाट ट्यूब्यूल। ये तीन तरीके की स्ट्रक्चर हैं विच आर गोइंग टू फॉर्म द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीन तरीके की स्ट्रक्चर होती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती हैं। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट नेटवर्क एंड लॉन्गेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। तो जो ये होती हैं वो सबसे बड़ी ट्यूब्यूल होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए कि हम एक चीज और को देख लेते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके की होती है, कहाँ पाई जाती है। And one very important thing we will discuss that ki what is the function of the endoplasmic reticulum. तो देखिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि इट फंक्शन एज ए ट्रांस चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पहला फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट, इट फंक्शन एज ए चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट of materials between different part of cytoplasm। यानी कि साइटोप्लाज्म के डिफरेंट पार्ट्स तक अगर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह काम करती है। और केवल यही नहीं, एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी किसी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट का काम है तो भी उसके लिए चैनल की तरह काम करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज व्हाट कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, इट फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है, साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन की तरह काम करती है, विच प्रोवाइड द सपोर्ट एंड साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड सरफेस। इसमें क्या होती है कि एक सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर मेनी
बायोकेमिकल रिएक्शंस। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज व्हाट दैट वी आर गोइंग टू सी कि थर्ड डिटॉक्सिफिकेशन। जो मैमल्स होते हैं मैमल्स या कह लीजिए कि वर्टिब्रेट्स, मैमल्स के जो लीवर होती है, मैमल्स के लीवर की सेल्स में एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करती है कि विद द हेल्प ऑफ P450 एंजाइम। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं अल्टीमेटली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से सारी चीजें कहाँ जाती हैं, लीवर में जाती हैं। लीवर उसकी स्क्रीनिंग करता है कि कौन सी चीज विषैला है, टॉक्सिक है, पॉइजनस है। फिर उस स्क्रीनिंग के बाद, लीवर की स्क्रीनिंग के बाद ही वो चीज हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाती है। देखिए आजकल यह समस्या बहुत कॉमन सी हो गई, ढेर सारे लोगों के लीवर खराब हो जाते हैं, फैटी लीवर हो जाता है, क्योंकि ढेर सारी एडल्टरेशन है, मिलावट है। अल्टीमेटली वो चीजें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर में जाती हैं और लीवर स्क्रीनिंग करता है। अगर टॉक्सिक चीज है, पॉइजनस है, ड्रग्स है, तो ऑब्वियसली दैट इज डिटॉक्सिफाइड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। ये एक बार मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में आया, एंट्रेंस एग्जाम में आया भी हुआ है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चीज और हम मुझे भूल गया, वो आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, सपोज दैट दिस इज द सेल, this is the nucleus and this is the endoplasmic reticulum. तो कहते हैं कि जो endoplasmic reticulum है वह cytoplasm के space को दो part में divide करती है। endoplasmic reticulum वह cytoplasm के space को दो भाग में divide कर देती है। एक को कहते हैं luminal, luminal. ल्यूमिनल का मतलब क्या, ये जो स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर जो स्पेस है इसे क्या कहेंगे, ल्यूमिनल, और इसके बाहर वाले स्पेस को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इसको कहेंगे इंट्राल्यूमिनल, ठीक है, ल्यूमिनल, इंट्राल्यूमिनल यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्पेस और उसके बाहर वाला स्पेस एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इस चैनल को